Assalamu alaikum, myself Adil Ashraf. I am the student of MS Computer Science first semester from University of Sialkot. Today I am looking forward to talking with you about heuristic evaluation of National University of Modern Languages, which was assigned by Dr. Javed Anjum. So let's start with heuristic evaluation of NAMUL University. First of all, मैंने good and bad points को add किया. So let's start with good points. So जो first good point है इस website के अंदर वो है placement of logo. अगर हम प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट की बात करें, वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, तो जो प्रोफेशनल डेवलपर हैं वो लोगो को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी जो मेन पेज है उधर जो लोगो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है, जो कि एक प्रोफेशनल अप्रोच है. तो ये एक गुड पॉइंट है वेबसाइट का. सेकेंड वन है आइकन्स. इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने डिफरेंट आइकन्स दिए हुए हैं जो प्रॉपर वर्किंग में है. आप इनके ऊपर क्लिक करें तो आप इनसे फैसिलिटेट हो सकते हैं, यानी कि यूजर इनसे इंटरेक्ट करके फैसिलिटेट हो सकता है. ये प्रॉपर विजिबल फॉर्म में है और ऑपरेशनल है, तो ये भी एक गुड पॉइंट है वेबसाइट का. थर्ड वन, सोशल मीडिया एप्स. अगर आप देखें तो इस वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया एप्स को भी उन्होंने अटैच किया हुआ है, उनके भी लिंक्स एड हैं. तो यूजर्स सोशल मीडिया ऐप से इंटरेक्ट करके भी इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, हेल्प ले सकता है आसानी के साथ. जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसका गुड पॉइंट में से, वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज. इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिनको यूज करते हुए यूजर फैसिलिटेट हो सकता है, तो ये भी एक गुड पॉइंट है वेबसाइट का. फिफ्थ एंड लास्ट वन, फिफ्थ जो गुड पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के अंदर यूज की हुई है वो बिल्कुल सिंपल और एक्यूरेट है, इजीली रीडेबल है. लेकिन जो बात की जाए अरेंजमेंट की, तो वो एफिशिएंट अरेंजमेंट नहीं है इन सेंस ऑफ जैसा होनी चाहिए थी. तो ये इंफॉर्मेशन सिंपल वे में अरेंज्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इस वजह से ये भी एक गुड पॉइंट है इस वेबसाइट का. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बैड पॉइंट्स की तरफ. तो मैंने फाइव बैड पॉइंट्स ऐड किए हैं इस वेबसाइट के. फर्स्ट वन है कॉन्टेक्ट अस. अगर हम ये नेविगेशन बार से ऊपर ये बटन्स बनाए हुए हैं उन्होंने 6 to 7, इसके अंदर कॉन्टेक्ट अस का बटन नहीं है. अगर एक यूजर वेबसाइट के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो उसका बटन इधर बटन्स में मौजूद नहीं है, जो कि एक बैड अप्रोच है. इनको इधर एक बटन भी ऐड करना चाहिए. नेक्स्ट वन, कलर कम्बिनेशन. अगर हम फर्स्ट व्यू देखें वेबसाइट का मेन पेज के ऊपर, तो उसमें जो कलर कम्बिनेशन है वो इतना अफेक्टिव नहीं है. प्रोफेशनल अप्रोच को यूज नहीं किया हुआ. किसी जगह पे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, तो ये कलर कम्बिनेशन इतने अफेक्टिव नहीं है. तो जो वेबसाइट के ऊपर कलर यूज किए हुए वो प्रोफेशनल नहीं है, तो कलर्स को चेंज करना चाहिए. नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेंज द लैंग्वेज. आज अगर मॉडर्न ईरा की बात करें तो आजकल के दौर में हर वेबसाइट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन मौजूद होता है जिसके अंदर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी भी वर्ल्ड के सिटी से कोई बंदा आपकी इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो वो अपनी लैंग्वेज के मुताबिक इसको रीड कर सके. तो चेंज द लैंग्वेज ऑप्शन इस वेबसाइट के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि होना चाहिए. फोर्थ वन, प्लेस द फुटर ऑन द टॉप. अगर इस पेज को हम देखें तो नमल कैंपस मैनेजमेंट का ये पेज है, उनका अकाउंट, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिधर यूजर एंटर कर सकता है. लेकिन अगर आप नीचे देखें तो ये जो एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फी मैनेजमेंट, ये फुटर में उन्होंने ऐड किया हुआ है, जो कि टॉप पे होना चाहिए. इस लोगो के साथ एक नेविगेशन बार होनी चाहिए जिसके ऊपर ये सारी चीजें हों, और ये प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में होनी चाहिए, इनके ऊपर लिंक लगे होने चाहिए. तो ये भी एक बैड पॉइंट है, इनको ये वाला जो फुटर है ये टॉप पे इस लोगो के साथ ऐड करना चाहिए. जी, नेक्स्ट वन, न्यूज फीड.
इस वेबसाइट के अंदर न्यूज फीड का सेक्शन है, लेकिन वो बॉटम पे जाके है, और ऐसे ही है जैसे न्यूज चैनल्स के ऊपर न्यूज आ रही होती हैं, वो नीचे एक पट्टी चल रही होती है। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, होना यूं चाहिए कि इस वेबसाइट के अंदर ये जो ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं मेन, उसके राइट साइड पे एक सेक्शन बनाना चाहिए, न्यूज फीड का सेक्शन हो, और टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप, इस तरह से हमारे पास न्यूज जो है वो इस सेक्शन में मूव करनी चाहिए, जो भी लेटेस्ट न्यूज है। तो ये न्यूज फीड का सेक्शन इधर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी एक बैड पॉइंट है। अब हम चलते हैं एवेल्यूएशन ऑफ द वेबसाइट। एवेल्यूएशन ऑफ द वेबसाइट में हम बेसिकली फोर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेविगेशन को। नेविगेशन बेसिकली क्या है कि ये नेविगेशन बार है आपकी मूवमेंट विद इन द वेबसाइट, वो कैसी होनी चाहिए, डाटा कैसे अरेंज है, मेन्यूज कैसे हैं, बटन कैसे हैं, वो सारी चीजें हमने देखनी है इसके अंदर। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने नेविगेशन में ऐड किया हुआ है वो ये, द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू इज नॉट इन सॉर्टेड फॉर्म। अगर आप देखें तो ये, अगर मैं इन कैंपसेस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, इसमें लाहौर, फैसलाबाद, डिफरेंट सिटीज के नेम है जिधर जिधर नमल यूनिवर्सिटी के कैंपसेज है। तो अगर इसको देखें तो ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, अनसॉर्टेड फॉर्म है, तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। सेकंड वन, इंफॉर्मेशन अबाउट कैंपस इज नॉट टू क्लियर, नॉट लॉजिकली रिलेटेड। अब देखिएगा कि ये मैंने नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ओपन किया है, इसके अंदर इस पेज को देखते हुए मुझे नहीं पता चल रहा कि ये नमल यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस है। होना यूं चाहिए कि मेरे पास वेलकम टू नमल जिधर लिखा हुआ है, इधर वेलकम टू नमल लाहौर या लाहौर कैंपस, इस तरह से होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो लाहौर कैंपस की मेन बिल्डिंग की होनी चाहिए, और जो कलर ऊपर यूज किए हुए हैं ये लाइट से होने चाहिए, जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो ये भी एक फ्लॉ है इस वेबसाइट के अंदर, जो कि नेविगेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है जिसको जी। नेक्स्ट, द यूज ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स लिंक्स एंड दे आर प्रॉपरली वर्किंग। जो सोशल मीडिया एप्स के लिंक्स दिए हुए हैं इस वेबसाइट के अंदर वो प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में है, जो कि एक गुड पॉइंट है। नेक्स्ट वन, नेविगेशन विद इन द साइट इज नॉट टू इजी। अगर आप किसी भी कैंपस के मेन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके लिंक पे क्लिक करते हैं, आप उस कैंपस के वेब पेज पे आ जाते हैं। देन अगर आपको बैकवर्ड जाना है तो गुड अप्रोच ये होती है वेबसाइट की कि आप लोगों पे क्लिक करें, या मेन नेव बार ऊपर शो हो रही हो उस पे आप होम पे क्लिक करें तो आप जो वेबसाइट का मेन होम पेज है उसके ऊपर मूव कर जाएं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। अगर मुझे बैक जाना है अपने मेन वेबसाइट के होम पेज के ऊपर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वेब ब्राउजर जो है इसका जो बैकवर्ड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके मैं वापस जाता हूं, ये मुझे फैसिलिटेट वेबसाइट नहीं कर रही, तो ये भी एक बैड पॉइंट है इस वेबसाइट का। नेक्स्ट वन, देयर आर मैनी लिंक्स टू अदर पेजेस, सम बिलोंग्स टू रिलायबल सोर्स एंड सम आर नॉट। बहुत ज्यादा लिंक्स दिए हुए हैं इस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस के, ऑनलाइन लिंक्स हैं, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट किसी पेज पे मूव कर जाते हैं, तो बहुत सारे लिंक्स ऐसे हैं जो रिलायबल हैं, लेकिन कुछ लिंक्स ऐसे हैं इस वेबसाइट के अंदर जो रिलायबल नहीं है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे, या जो भी मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर, वो मुझे एक दफा वार्न करता है कि इट कैन हार्म योर पीसी, तो इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, तो वो जो मेरे पास लिंक्स हैं वो रिलायबल सोर्स के नहीं। और इस वेबसाइट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रोकन लिंक्स इसके अंदर रही है, जितने भी लिंक्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में। नेक्स्ट वन, आप फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो डाउनलोडेबल है, यूजर उनको इजीली डाउनलोड कर सकता है, उसे इंटरेक्ट कर सकता है। अब ये एक मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया कि अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो आप उस पर क्लिक करते हो, डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन शो हो जाएगा, सेव पे क्लिक करोगे तो ये वाली फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। यस, द इंफॉर्मेशन कैन बी डाउनलोडेड इजिली, इंफॉर्मेशन इजिली डाउनलोड की जा सकती। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है एवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट का वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब फर्स्ट ऑल मैंने डिस्कस किया है, यस द डेप्थ
एंड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट आर अप्रोप्रिएट। अब जो डेप्थ स्कोप है, जो एक्सप्लेनेशन या जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडर वे में दी हुई है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वो प्रॉपर है, डेप्थ स्कोप है इंफॉर्मेशन का। उसके बाद अगर आप देखें कि मेन कैंपस है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो डेप्थ स्कोप है वो बिल्कुल एक्यूरेट है जो वेबसाइट के अंदर दिया गया। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स में, द नेम ऑफ द वेबसाइट एंड सम ऑफ इट्स पिक्चर्स एंड डिटेल हैव नो कंपेटेबिलिटी विद द वेबसाइट। अगर हम बात करें तो इंसान की नेचर है कि वो विजुअल से ज्यादा सीखता है। अगर मैं इस वेब पेज पे हूं तो मुझे देख के पता चल जाना चाहिए कि ये वेब पेज किसके अबाउट है, जो कि इधर नहीं हो रहा। इधर सिंपल लिखा हुआ है वेलकम टू नमल, लेकिन ऑफिशियली मैंने नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस को ओपन किया हुआ है, जो कि इधर पेज को देख के मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना तो इन्होंने वेलकम टू नमल लाहौर कैंपस इधर टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, और ना ही बैकग्राउंड पे नमल लाहौर कैंपस की पिक्चर ऐड की हुई है मेन बिल्डिंग की। तो ऊपर कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़े से यूज कर दिए हुए उन्होंने डिफरेंट, जो कि पीछे बिल्डिंग को क्लियर नहीं कर रहे। तो मुझे पिक्चर को देख के मुझे आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वेब पेज किसके अबाउट है। तो ये एक फ्लॉ है इस वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट वन, यूज टू मच डिटेल। अब ये क्वालिटी एश्योरेंस के अबाउट एक फीमेल है जो उधर डील कर रही है, उनके अबाउट इंफॉर्मेशन जो है, जो नहीं भी होनी चाहिए वो भी दी गई है। कुछ इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है, डुप्लीकेट है। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है वो है कवरेज का। कवरेज में द इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल एंड एक्यूरेट। अब ये एडमिशन प्रोसेस में जो भी फीसेज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो बिल्कुल एक्यूरेट दी हुई हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी विजिट करें या जो स्टूडेंट्स उधर पढ़ रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, जो इधर फॉर्म पे दी हुई है और जो उधर एक्चुअल में है, वो सारी सेम है। देन अगर आप कैंपस का टूर करें, उसके अबाउट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो पिक्चर्स हैं, उसके अबाउट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सेम एज इट इज है जैसे पिक्चर्स डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ये कवरेज के अंदर बड़ा एक गुड पॉइंट है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कवरेज के अंदर, सम ग्राफिक्स आर नॉट रेलिवेंट टू द फील्ड, फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये पिक्चर है एक कैंपस है लाहौर, उसकी है बेसिकली, वेब पेज उसका है, लेकिन ये क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर रही क्योंकि बैकग्राउंड पे वो पिक्चर नहीं लगी हुई उस कैंपस की। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन राइटिंग स्टाइल है। द वेबसाइट यूजेस ओनली सिंगल लैंग्वेज। इस वेबसाइट के अंदर एक सिंगल लैंग्वेज इंग्लिश यूज की हुई है, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि इसमें चेंज इन लैंग्वेज का ऑप्शन होना चाहिए ताकि यूजर इजीली अपनी नेटिव लैंग्वेज के मुताबिक उसको चेंज कर सके। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन सीम टू बी फिक्स्ड ऑन द वेबसाइट एज नथिंग इज अपडेटेड ऑन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई हैं, तो ये वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। देर आर सम एरर्स, कुछ एरर्स भी हैं, जैसे कि रिजल्ट्स और डेट शीट्स वर्ड होने चाहिए और इन्होंने सिंपल इधर रिजल्ट और डेट शीट लिखा हुआ है। स्टूडेंट रिसोर्सेज मेन्यू के अंदर जब आप जाएं तो उधर आपको रिजल्ट और डेट शीट मिलेंगे वर्ड्स लिखे हुए, लेकिन इनको एक्चुअल में रिजल्ट्स होना चाहिए और डेट शीट होना चाहिए, डेट शीट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये थे हमारे एवेल्युएशन ऑफ वेबसाइट के फोर पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास एक्चुअल जो चीज है वो है हेरिस्टिक एवेल्युएशन ऑफ द वेबसाइट। इसमें हम बेसिकली 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। अब विजिबिलिटी में जो चीज हमें नजर आ रही है वो किस तरह की है, उसमें सबसे पहले जो चीज मैंने ऐड की हुई है वो है एक्टिव मेन्यू आइटम्स। अब मेन्यू आइटम्स जो भी यूज किए हुए हैं वो सारे के सारे इस वेबसाइट के अंदर एक्टिव है और वो प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में। अब स्टेप विजिट्स की बात करें तो इस वेबसाइट के अंदर कोई स्टेप विजिट्स नहीं है। नेक्स्ट, लोडिंग एनिमेशन। अब देखें इस वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशंस भी दी हुई हैं जिनका लोडिंग का इशू है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है देन ये जो एनिमेशन है ये लोड होने में 6 to 7 या 10 सेकंड्स लेती हैं, जो कि ऐसा
नहीं होना चाहिए। छोटी सी एनिमेशन होती है, इसको विद इन अ सेकेंड यूजर के सामने व्यू हो जाना चाहिए। देन पेजिनेशन है। पेजिनेशन सिंपल वर्ड्स में यही है कि अगर आप वेबसाइट में किसी दूसरे पेज पे मूव किए हो, आपने किसी एक ऑप्शन पे क्लिक किया, किसी दूसरे पेज पे चले गए हो, देन अगर आपने बैकवर्ड आना है तो आपके पास प्रॉपर ऑप्शन होना चाहिए बैकवर्ड आने के लिए। लेकिन इस वेबसाइट में ऐसा नहीं है, आप को अगर बैक होम पेज पे आना है तो आपको ब्राउजर के जो बैकवर्ड का ये जो साइन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करके आप आते हो, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ऊपर नेव बार में ये चीज दी होनी चाहिए जिसको क्लिक करके यूजर इजीली मूव कर सके अपने होम पेज के ऊपर। नेक्स्ट, पासवर्ड स्ट्रेंथ। अब देखें, बहुत सारी वेबसाइट के अंदर जब हम यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो पासवर्ड का एक मैकेनिज्म वो डिफाइन करते हैं कि आपके टेक्स्ट होना चाहिए सिंपल, अल्फाबेट्स आपने ऐड करने हैं, उसके बाद आपने नंबर्स ऐड करने हैं या कोई स्पेशल सिंबल ऐड करना है। एक तो वो नहीं है इसके अंदर, और दूसरा आप जितना मर्जी बड़ा पासवर्ड इंटर करते जाएं ये आपको रोकेगा नहीं। इसके अंदर कोई ऐसा चेक नहीं लगा हुआ कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम या मैक्सिमम इतने नंबर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बैड पॉइंट है इस वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। ये नेक्स्ट जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन का पॉइंट है उसके अंदर है सेव आइकन्स। सेव आइकन्स में ये है, ये डिफरेंट ऑनलाइन आइकन लिंक्स दिए हुए हैं, इनके डेफिनेटली आइकन शो हो रहे हैं, साथ में टेक्स्ट शो हो रहा है। तो जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेव आइकन का कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये यूजर को फैसिलिटेट नहीं कर रहा इस वे में, इट डज नॉट हैव सेव आइकन ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गेज मीटर एंड स्विच टोगल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्विच टोगल को। स्विच टोगल बेसिकली ये है कि चेंज इन लैंग्वेज ऑप्शन होता है वेबसाइट्स के अंदर, जो इस वेबसाइट के अंदर नहीं है। स्विच टोगल होना चाहिए कि अगर यूजर लैंग्वेज चेंज करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल एक चाइना का यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो उसके अंदर चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्जन होनी चाहिए, स्विच टोगल का ऑप्शन होना चाहिए। फिर ये हमारे पास है गेज मीटर। गेज मीटर क्या होता है कि नीचे वेबसाइट के नीचे, अमूमन होता नहीं है लेकिन सम वेबसाइट पे दिया भी होता है कि कितने विजिटर्स अभी तक इस वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। इस वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, क्रॉपिंग टूल बिहेवियर। क्रॉपिंग टूल बिहेवियर में क्या होता है कि अगर कोई पिक्चर गैलरी है या किसी जगह पे कोई पिक्चर्स दी हुई हैं और उसके ऊपर आप कर्जर लेके जाते हैं तो वो उस पिक्चर को जूम इन होना चाहिए, आपकी तरफ जूम होना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। देखें, जैसे ये डॉक्टर अरफान रजा की पिक्चर है, इनके ऊपर मैं अपना कर्जर लेके गया तो ये जूम इन नहीं हो रही, तो ये एक क्रॉपिंग टूल बिहेवियर इस पे अप्लाइड नहीं है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारे पास यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम में सबसे पहले जो पॉइंट मैंने ऐड किया वो है वो सर्च का। इस वेबसाइट का जो सबसे मेन फ्लॉ है वो यही है कि इस वेबसाइट के अंदर सर्च बार का ऑप्शन ही नहीं है। कि आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा डेफिनेटली होता है हर वेबसाइट के अंदर, जैसा कि नमल में भी है। तो अगर यूजर किसी एक स्पेसिफिक डाटा को सर्च करना चाहता है तो उसको थ्रू आउट वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। उससे बेहतर अप्रोच ये थी कि इधर हम क्या कर देते, एक सर्च बार अप्लाई कर देते, उसमें जो यूजर है वो अपना स्पेसिफिक नेम लिखता, जो भी चीज उसको सर्च करनी है, और सर्च के बटन के थ्रू वो सर्च कर सकता था इजीली, लेकिन जो कि इधर नहीं है। नेक्स्ट वन, अब इस वेबसाइट के अंदर और भी कुछ फ्लॉज हैं जो यूजर को फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करते, यूजर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई एक टास्क आपने स्टार्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर लिया, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते जब तक वो डाउनलोड नहीं हो जाती। नेक्स्ट, अगर आप किसी एक पेज पे हो तो गो बैक का ऑप्शन नहीं है, नेविगेशन विद इन द वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर द यूजर टू अपडेट और स्किप एनी टास्क। आप किसी भी टास्क को अपडेट और स्किप नहीं कर सकते। अगर एक एक्शन परफॉर्म होना शुरू हो गया, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता, यूजर वेट करेगा उसके अगेंस्ट। जी, नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में मैंने सबसे पहले लेआउट पोजीशनिंग को डिस्कस किया हुआ है। द लेआउट पोजीशन इज नॉट गुड। अगर आप इधर देखें इस वेब पेज के अंदर तो ये कुछ सिटीज की पिक्चर्स और साथ में उनके नेम्स लिखे हुए हैं जो कि लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है। अगर ये मुल्तान और कोयटा के नीचे आप मीरपुर आजाद कश्मीर की ये पिक्चर देखें तो ये लेफ्ट अलाइंड पिक्चर्स नहीं है।
इसके पीछे अगर आप ये देखें टेक्स्ट देखें तो ये भी लॉजिकली वो सॉर्टेड नहीं है, इसको लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए और प्रॉपर सॉर्टिंग फॉर्म में होना चाहिए। लेआउट इतना अफेक्टिव नहीं है और उसकी पोजीशन जो है वो भी अच्छी नहीं है इस वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट वन, इंटरेक्टिव एलिमेंट बटन्स। अब इस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट बटन्स भी यूज किए हुए हैं उन्होंने, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के डिफरेंट बटन्स हैं और ये इंटरेक्टिव नहीं है। यूजर डिफरेंट, एक तो डिफरेंट कलर्स यूज किए हुए हैं, इसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग होनी चाहिए ताकि यूजर को फर्स्ट साइड में देख के इंटरेक्टिव लगे और वो इससे फैसिलिटेट हो सके इजीली। नेक्स्ट वन, हाइपर लिंक अंडरलाइन। अब हर वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स दिए होते हैं, जब उसके ऊपर हम अपना कर्जर लेके जाते हैं तो वो लिंक्स अंडरलाइन हो जाते हैं या उसके ऊपर वो साइन आ जाते हैं, डिफरेंट शो होते हैं। और मेन जो चीज है वो हाइपरलिंक अंडरलाइन को इधर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वेबसाइट के अंदर मोस्टली जितने भी लिंक्स यूज किए हुए हैं, जो टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाए हुए हैं, जब उसके ऊपर हम अपना कर्जर लेके जाते हैं तो वो अंडरलाइन नहीं होते, उनका कलर चेंज होता है। तो इन लिंक्स को अंडरलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, एरर प्रिवेंशन। जो नेक्स्ट हेरोस्टिक एवेल्युएशन का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर प्रिवेंशन। अगर आप कोई गलत काम वेबसाइट पे कर रहे हो तो उसको आपको प्रिवेंट करना चाहिए। जैसे एक साइन अप का फॉर्म है, इधर मैंने अपना यूजर नेम दिया, देन मैंने अपनी ईमेल दी और मैंने दूसरी ईमेल एक इंटर की और मैंने साइन इन के बटन पे क्लिक किया। इधर आप देखें वो सिर्फ एक मुझे मैसेज जनरेट कर रहा है कि ईमेल एंड कंफर्म ईमेल डू नॉट मैच, यानी कि ये जो मैंने दो ईमेल्स दी हैं इस पे फर्स्ट मैंने अदील अशरफ 070@gmail.com इंटर किया, फिर मैंने कायनात हाफजा 545, यानी कि मैंने ये और ईमेल इंटर कर दी, ये और ईमेल इंटर कर दी, इस पे तो चेक लगा हुआ है, वो कह रहा है जी मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो यूजर नेम है इसके ऊपर कोई चेक नहीं लगा हुआ। मुझे जैसे आपको पता है, सब जानते हैं कि हमारे पास जो नेम होता है वो अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल होता है, उसमें नंबर्स नहीं होते। तो हर जो वेबसाइट, जो अच्छी वेबसाइट है, उसका जो साइन इन फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है, उसके अंदर चेक्स लगे होते हैं, इधर यूजर नेम पे कोई चेक नहीं है, तो ये मुझे प्रिवेंट नहीं कर रहा, ये भी बैड पॉइंट है। नेक्स्ट वन जी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हेरिस्टिक एवेल्युएशन का, वो है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है वो है लेजेंड्स वर्सेस विजुअल बोथ। अब देखें कि बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स होते हैं, सॉरी, जो हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। अब बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, कोई अनप्रोफेशनल होते हैं। अब इस इधर देखें तो डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, उनके आइकन्स को ऐड किया गया है, लेकिन इसके नीचे टेक्स्ट ने लिखा हुआ लेजेंड्स को ऐड नहीं किया हुआ। अब कोई प्रोफेशनल लोग हैं तो उनको तो हाउ नो होगी, आइडिया होगा फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का, इन पेज का और ये इंस्टाग्राम का। लेकिन अगर कोई आम लेमैन है तो उसको आइडिया नहीं होगा कि ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है। तो हम क्या करते हैं, हम इन आइकन्स के नीचे हमें चाहिए कि लेजेंड्स का यूज करें, हम इनके नीचे टेक्स्ट लिखें, फेसबुक के नीचे फेसबुक वर्ड लिखें, इंस्टाग्राम के नीचे इंस्टाग्राम का, और डिफरेंट जितने भी आइकन्स हैं नीचे उनका टेक्स्ट भी यूज करना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल में है वो है हाइब्रिड ब्रेड क्रम्स। अब हाइब्रिड ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि आप एक वेबसाइट के एक मेन्यू पे गए, मेन मेन्यू पे, उसके अंदर कुछ सब मेन्यूज थे, उन सब मेन्यूज के अंदर कुछ सब मेन्यूज थे, तो वन बाय वन आप सब मेन्यूज में जाते गए। जैसे यूआरएल में गूगल पे कुछ चीज सर्च करें या फोल्डर आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करें तो वो ऊपर प्रॉपर पाथ शो कर रहा होता है कि आप किस चीज से किस चीज को ओपन आपने किया है अभी तक। इस वेबसाइट के अंदर भी बहुत एक अच्छी चीज इन्होंने ऐड की हुई है कि इन्होंने ये देखें, अगर मैंने सबसे पहले मैंने डाटा सॉरी बीएस कंप्यूटर साइंस तक मैं आया, अभी मेरा रिसेंट पेज ये ओपन है, लेकिन मैं किस किस मेन्यू से होता हुआ इधर तक पहुंचा तो वो सारे के सारे मुझे ये शो कर रहा है। सबसे पहले मैंने होम के मेन्यू के बटन पे क्लिक किया, देन डिपार्टमेंट, देन प्रोग्राम, देन बीएस कंप्यूटर साइंस। तो ये हाइब्रिड ब्रेड क्रम्स जो है इस वेबसाइट के अंदर एडिड है, जो कि एक गुड पॉइंट है। नेक्स्ट वन है जी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। अब इसके अंदर जो पॉइंट ऐड किया हुआ मैंने वो, द वेबसाइट हैव ऑटोफिल ऑप्शन।
अब ऑटोफिल ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑटोफिल का ऑप्शन मोस्टली वेबसाइट के अंदर होता है, होना भी चाहिए। अब देखिए साइन अप का ऑप्शन, फॉर्म बना हुआ है, इसके अंदर मैंने यूज़र नेम दिया, ईमेल दी, अपना कंफर्म ईमेल एंटर किया, लेकिन पहले अगर मैंने इस फॉर्म को फिल किया हुआ तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेकेंड टाइम तो जो जो डाटा मैंने इस फील्ड के अंदर इंटर किया होगा वो मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहा होगा, जैसे कि इधर शो हो रहा है। तो ये ऑटोफिल का ऑप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट थिंग है, इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है और प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है जो किसी दूसरे कस्टमर तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ अपना लैपटॉप कंप्यूटर शेयर करते हो और वो भी इसी फॉर्म को यूटिलाइज कर रहा है, आपका कोई ऐसा यूज़र नेम है जो आप हाइड रखना चाहते हैं, जो प्राइवेट रखना चाहते हैं दूसरे लोगों से, तो इधर एडवांस ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। बट इट डज नॉट हैव एडवांस फीचर ऑप्शन। एडवांस फीचर का ऑप्शन नीचे कहीं होना चाहिए कि अगर आप ऑटोफिल ऑप्शन को एक्टिव करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन होना चाहिए जो कि इस वेबसाइट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट वन, एस्थेटिक एंड मिनिमल लिस्ट डिजाइन। इस वेबसाइट के अंदर देर इज नथिंग अबाउट एस्थेटिक एंड मिनिमल लिस्ट डिजाइन इन नॉर्मल वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर इससे रिलेटेड, इस हेयरिस्टिक पॉइंट से रिलेटेड कोई डाटा मौजूद नहीं। नेक्स्ट वन, हेल्प यूजर रिकग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। अब देखिए कि अगर आप वेबसाइट पे गए और आपने किसी एरर को फेस किया, देन यूज़र के पास ये ऑप्शन होना चाहिए, आपकी वेबसाइट को इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो उसको डायग्नोज करके उससे निकल सके। अब इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। द नॉर्मल वेबसाइट, इन नॉर्मल वेबसाइट दे डिड नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट टू एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सबसे मेन फ्लॉ जो है वो ये है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ जिसको यूज करते हुए यूजर अपना नेम, यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में अगर आप देखें, अगर आप यूजर नेम गलत इंटर कर देते हैं और पासवर्ड इंटर गलत कर देते हैं और साइन मी इन पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो मैसेज जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है, इनवैलिड लॉग इन एप्लीकेशन आई डी आर पासवर्ड। अब मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए इस वेब पेज को, इस वेबसाइट को, कि आपका एरर यूजर नेम में है या पासवर्ड में, तो इधर ये अप्रोच यूज नहीं की हुई इन्होंने जी। नेक्स्ट, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसका हेल्प डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, या हेल्प के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप अंदर लाजमी होना चाहिए जिसको देख के यूजर वो एक्शन परफॉर्म कर सके। इस वेबसाइट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी हुई है कि जब आप रेगुलर एडमिशंस पे जाते हैं, ऑनलाइन एडमिशंस पे, तो आपने डेफिनेटली एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, तो उसके लिए उन्होंने एडमिशन हेल्प मैनुअल दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये डाउनलोडेबल है, और इसको इधर भी ऑनलाइन रीड करके भी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, यूजर इससे भी फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन जो हेयरिस्टिक एवेल्युएशन का पॉइंट है वो इस वेबसाइट में बड़ा प्रॉपरली डिस्कस्ड है जी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लास्ट पे मैंने नॉर्मल वेबसाइट की एक छोटी सी रिपोर्ट प्रिपेयर की है जिसमें मैंने मेन प्रॉब्लम्स को कुछ को डिस्कस किया और उसकी सिवेरिटी बताई है, और उस पर बताया हुआ है कि हेयरिस्टिक पॉइंट कौन कौन से अप्लाइड हैं और उसकी रिकमेंडेशन क्या है कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले जो मेजर फ्लॉ है इस वेबसाइट के अंदर वो ये है कि मोस्टली वेबसाइट के अंदर होम पेज पे टॉप राइट कॉर्नर पे सर्च बार का ऑप्शन हर वेबसाइट में मौजूद होता है जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में नहीं है। अगर यूजर ने इस वेबसाइट के अंदर से कोई स्पेसिफिक डाटा, कोई स्पेसिफिक चीज सर्च करनी है तो उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है, द वेबसाइट हैव नो सर्च बार ऑप्शन, सिवेरिटी इसकी 4 है, बहुत बुरी चीज है जो कि इन्होंने नहीं अप्लाई की हुई। नेक्स्ट, हेयरिस्टिक जो पॉइंट्स इस पे अप्लाइड हो रहे हैं वो 3 और 8 है, और जो रिकमेंडेशन है इसके लिए देर शुड बी एन सर्च बार ऑप्शन, एक सर्च बार का ऑप्शन इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होना चाहिए यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि साइट वाइज वाइड नेविगेशन है वो मिसिंग है। इस वेबसाइट के अंदर आप अगर किसी एक पेज पे जाते हो, फिर दूसरे पेज को विजिट करते हो, थर्ड पेज को विजिट करते हो, उसके सब मेन्यूज में जाते हो, अगर आपने बैकवर्ड आना है, जैसे मैंने इधर से नमल यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस ओपन किया और मुझे आप बैक जाना है होम वेबसाइट होम पेज पे, नमल होम वेबसाइट का जो पेज है उधर जाना है, तो मेरे पास कोई नेव बार में ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं है, गो बैक का कोई बटन नहीं है, जो कि एक प्रॉब्लम है इस वेबसाइट के साथ। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बैकवर्ड जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये ब्राउजर का जो बैकवर्ड का बटन है, जो फीचर है, इसको यूज करते हुए मैं बैकवर्ड जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं बैकवर्ड नहीं जा सकता। तो सेवेरिटी इसकी 3 है और जो हेरिस्टिक पॉइंट्स इस पे अप्लाई नहीं किए हुए जो अप्लाइड हो रहे थे वो 1, 4, 6 और 10 है, और जो रिकमेंडेशन है इसके अगेंस्ट, इट शुड इंक्लूड द मेन नेविगेशन मेन्यू ऑन ऑल वेब पेजेस विद इन द साइट। एक मेन नेविगेशन बार होनी चाहिए, मेन नेविगेशन मेन्यू बार हो जिसके अंदर मेन मेन्यूज हो, और सब मेन्यूज की अगर नेव बार बनानी है तो वो हर पेज के नीचे शो हो, ये फिक्स्ड होनी चाहिए। तो अगर मुझे मेन को यूज करना है तो यूजर आसानी से उसको यूटिलाइज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वेयर है, वो ये है कि इट्स नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस वेब पेज, ग्राफिक्स यूज्ड इन द वेब पेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द पेज। अब देखें कि ये बेसिकली मैंने नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ओपन किया हुआ है और इस पेज को देखते हुए, इसका विजुअल देखते हुए मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये नमल यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस है। आप क्यों आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है वो नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की नहीं है, और जो पिक्चर लगी भी हुई है बैकग्राउंड पे वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ऊपर उन्होंने इतने इफेक्टिव कलर्स नहीं यूज किए हुए, चूंकि बिल्डिंग शो होनी चाहिए, विजुलाइज होनी चाहिए, तो कलर्स होने ही नहीं चाहिए, अगर हों तो बिल्कुल लाइट से हों, ताकि जो बिल्डिंग है वो प्रोमिनेंट हो, जो हमारा टॉपिक है वो प्रोमिनेंट हो, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोमिनेंट हो। सेवेरिटी इसकी 3 है, हेरिस्टिक 1 इस पे अप्लाई होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। रिकमेंडेशन है, दिस पेज शुड द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ नमल लाहौर कैंपस। इसको नमल लाहौर कैंपस यानी कि जिस यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है और उस कैंपस की पिक्चर इधर होनी चाहिए थी। That's all. Thank you very much.